दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप रूस की फेमस मुस्लिम सिंगर और एक एक्ट्रेस हो जो रशिया के साथ साथ दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती हो। आपके पास बहुत सारा पैसा है, एक अल्ट्रा लग्जरियस लाइफस्टाइल, लग्जरियस कार्स और एक फेमस पर्सनैलिटी जिसको देखकर करोड़ों लोग आपसे प्रभावित होते हैं और आपकी कामयाबी रशिया की लाखों करोड़ों लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। पर क्या आप अपने इस प्रभावशाली और एक शान और शौकत वाले जीवन का हिंदू धर्म के लिए त्याग कर सकते हो, बावजूद इसके कि जो धर्म आपकी मुस्लिम परंपरा के बिल्कुल अपोजिट है? पर आप अपनी सिंगिंग की अद्भुत आर्ट को हिंदू देवी देवताओं के स्पिरिचुअल सॉन्ग गाने के लिए समर्पित कर देती हो? तो दोस्तों सोचिए कि क्या आप ऐसा कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया की एक फेमस मुस्लिम सिंगर के बारे में जिसने अपने इस्लामिक ट्रेडिशन को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया और अपने सिंगिंग के फेमस करियर को हिंदू देवी देवताओं के मंत्रों को एक मॉडर्न वे में गाने में समर्पित कर दिया, जिसके कारण आज इनके हिंदू स्पिरिचुअल सॉन्ग्स पूरे रशिया के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिनको सुनकर आपको काफी ज्यादा प्राउड फील होगा। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों मिलिए सती एथनिका से, दूसरा नाम सती काजानोवा, रशिया की एक फेमस सिंगर, फैशन मॉडल, एक्ट्रेस और एक टीवी पर्सनैलिटी जिसने सनातन धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया और माता दुर्गा, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की सच्ची भक्त बन गई, जिसके कारण इन्होंने अपने नाम के आगे सती भी लगाया हुआ है। वैसे तो इनका जन्म रशिया की एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था, पर दोस्तों आज से लगभग 17 साल पहले इन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन और अपने मन की शांति के लिए हिंदू धर्म अपना लिया था, जिसके बाद इन्होंने सनातन धर्म के देवी देवताओं पर इतने जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाले सॉन्ग्स गाए जिनको सुनकर कोई भी सनातन धर्म को अपनाने पर मजबूर हो सकता है। सती ने अपने सिंगिंग के करियर में वो शान और शौकत वाला रही जीवन जिया जिसका हम में से ज्यादातर लोग सपना देखते हैं। पर जब इनको अपने इस लग्जरियस लाइफस्टाइल से मन की शांति नहीं मिली तो तब सती को ये रियलाइज हुआ कि दुनिया को चकाचौंध कर देने वाला इनका ये जीवन किसी काम का नहीं है और इतना सारा फेम होने के बावजूद भी सती अपने जीवन में डिप्रेस्ड फील करने लगी थी और एक टाइम तो ऐसा आया कि इन्होंने सुसाइड करने की भी सोच ली थी, जिसके बारे में इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया। इनके इस इंटरव्यू को आप YouTube पर भी देख सकते हो, जहां पर इन्होंने इस्लाम से लेकर अपने सनातन धर्म की अद्भुत कहानी के बारे में बताया हुआ है। इस वीडियो का टाइटल है सती काजानोवा एंड हर इनक्रेडिबल स्टोरी पार्ट 1 स्वामी अनिरुद्धा, और यहाँ पर इन्होंने ये खुद बताया कि सनातन धर्म अपनाने के बाद इनका जीवन मीनिंगफुल बन गया, एक ऐसा जीवन जहाँ पर सती एक अलग ही सतर की शांति और ऊर्जा महसूस कर सकती थी। My question is, how did you get on the spiritual path? Like, you are being a famous Russian singer, you're coming from a Muslim background, and all of a sudden you are now on a Hindu path, following a spiritual master, Paramahamsa Vishwanatha. Yes. Like, maybe tell a little bit, how did you get there? You know, that started probably about 13 years ago. और इनके द्वारा हर रोज योग करने से और सनातन धर्म में मौजूद ऊर्जा वाहक मंत्रों का उच्चारण करने से इनका हर दिन ऊर्जा और खुशी से भर जाता है। और दोस्तों संस्कृत भाषा में मौजूद हमारे वेदों और उपनिषदों में मंत्र और देवी देवताओं के स्तोत्रम को सती इनफाइनाइट पॉजिटिव एनर्जी के रूप में देखती है, जिनका सॉन्ग्स के रूप में उच्चारण करते टाइम सती को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। इन असीम ऊर्जा के मंत्रों से सती किस हद तक प्रभावित है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सती ने अपने एक हाथ पर ओम का टैटू भी छुपवाया हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि ये सनातन धर्म पर कितना विश्वास करती है। अगर दोस्तों बात करें इनके द्वारा गाए गए हिंदू देवी देवताओं के सॉन्ग्स के बारे में, तो सती अब तक हिंदू डिवोशनल सॉन्ग्स पर रशिया में सैकड़ों एल्बम रिलीज कर चुकी है, जिनको आप इंटरनेट के सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हो, जैसे स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, गाना, जियो सावन और हंगामा जैसे पॉपुलर म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हो। रशिया के बाद इनके सबसे ज्यादा हिंदू डिवोशनल सॉन्ग्स को मॉरिशस देश में सुना जाता है, जहाँ पर मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन रहती है, और जिस हिंदू स्पिरिचुअल मास्टर के माध्यम से इन्होंने सनातन धर्म अपनाया था जिनका नाम है स्वामी विश्वानंद, ये भी मॉरिशस देश से हैं। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सती काजानोवा अपनी अद्भुत सिंगिंग से रशिया और दुनिया भर के हजारों लाखों लोगों को सनातन
धर्म के खूबसूरत जीवन जीने के लिए प्रेरित कर चुकी है। इस चीज को आप इनकी इंस्टाग्राम रील्स और वीडियोस में भी देख और फील कर सकते हो कि जब ये हिंदू देवी देवताओं के सॉन्ग्स गाती है तो इनको देखने और सुनने के लिए हजारों लाखों लोग इनके माध्यम से सनातन धर्म में लीन हो जाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर सती काली माँ, लक्ष्मी माँ और अम्बे माँ का भजन गा रही है जिसमें सभी लोग तन मन से लीन है। सिर्फ ऐसे ही आप इनकी सभी रील्स और वीडियोस में देखोगे। सती के वेरीफाइड इंस्टाग्राम पर 10 लाख से भी ज्यादा एक्टिव फॉलोअर्स हैं, जहां पर ये सनातन संस्कृति का प्रचार करती है। तो दोस्तों, हम सभी का दिल से सल्यूट है ऐसे इंटरनेशनल होनहार कलाकार को जो अपनी कला का शुद्ध उपयोग कर रही है। तो इनके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।